हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल की थर्ड प्रॉब्लम दैट इज स्टिक एज ऑलवेज अदा हैज एन एंड्स लेबल्ड फ्रॉम वन टू एन सी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ड्रॉप्स द एंड ऑन इट क्या कहा है कि अदा जो है वो जॉन के कॉन्सेंट्रेशन चेक करना चाहता है इसलिए उसने एक एल सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक ली और इस स्टिक पे एन नंबर ऑफ एंड्स को ड्रॉप कर दिया ठीक है ओके द पोजिशन ऑन द स्टिक एट विच द आर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर एरे p वेर एंट आई इज ड्रॉप एट पी आई p आई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑन द स्टिक ठीक है अब इन एंड्स को उसने एल लेंथ की जो स्टिक है उस पर ड्रॉप किया है तो कौन कौन सी पोजीशन पे ड्रॉप किया है वो रिप्रेजेंट किया गया है विद दी हेल्प ऑफ एरे पी मतलब कि पी आई डिनोट करता है कि लेफ्ट एंड से कितने सेंटीमीटर दूर जो है वो आइथ एंड को ड्रॉप किया है मतलब कि अगर पी फोर इज इक्वल टू फाइव है तो जो स्टिक है उसमें फाइव सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द लेफ्ट एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑफ एंड को ड्रॉप किया है

इनिशियली कौन सी डायरेक्शन में मूव होती है वो रिप्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ एरे डी अगर डी आई की वैल्यू जीरो है इसका मतलब इनिशियली आई एंड जो है उसको जिस भी पोजिशन पर ड्रॉप किया है वहाँ से वो लेफ्ट की तरफ मूव होगी और अगर डी आई की वैल्यू वन है तो इसका मतलब कि वो इनिशियली जहाँ भी ड्रॉप की है स्टिक पर उससे राइट right की तरफ मूव होगी वेन टू एंड्स मिट दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड रिवर्स थियर डायरेक्शंस एंडस फॉल ऑफ द स्टिक वेन दे रीच आई दर एंड ऑफ इट ठीक है तो अब स्टिक पे जब भी कोई दो एंड टकराएगी तो वो दोनों अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी ठीक है सो इफ दिस इज द स्टिक और यहाँ से एक एंड जा रही है यहाँ से एक एंड जा रही है यहाँ पे दोनों मिल गई मान लो यहाँ पे टकरा गई तो ये टकरा के वापस इस तरफ आने लगेगी और ये इस तरफ आने लगे ठीक है तो इस तरह से बहुत सारी एंड्स होगी तो बहुत सारे कोल्यूशनस हो गए एंड अल्टीमेटली जब भी कोई एक एंड है वो इस तरफ पहुंचेगी या इस तरफ पहुंचेगी तो वो वहां से स्टिक से नीचे उतर जाएगी इट विल ड्रॉप ऑफ द स्टिक अगर जीरो सेंटीमीटर लेफ्ट जा रही है और मान लो फि फाइव सेंटीमीटर पे है ठीक है कोई एंड और उसके लेफ्ट में कोई नहीं है और वो लेफ्ट की तरफ जा रही है तो जीरो सेंटीमीटर के बाद वो स्टिक से ड्रॉप हो जाएगी सिमिलरली पे सेंटीमीटर के बाद ड्रॉप हो जाएगी ठीक है अदर चैलेंज इज जॉन टू फाइंड द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच द एंड ऑफ द स्टिक जॉन नीड्स योर हेल्प ठीक है तो अब एंड स्टिक्स सॉरी एंड्स हमें दी गई है जिनको इनिशियली हर एक को ये डिफरेंट पोजिशन पे ड्रॉप किया गया है ऑन अ स्टिक ऑफ एल सेंटीमीटर लॉग और इनिशियली वो लेफ्ट या राइट right की तरफ मूव हो रही है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ वन सेंटीमीटर पर सेकेंड और जब भी कोई दो एंड टकराएगी तो वो दोनों अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि क्योंकि यहाँ पर एंड्स ड्रॉप हो रही है तो हमें बताना है एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द एंड्स इन विच दे विल ड्रॉप मतलब जो सबसे पहले ड्रॉप होगा फिर उसके बाद कौन सी एंड ड्रॉप होगी फिर उसके बाद उसके बाद इंसॉन अप टू द तो लास्ट एंड तो हमें सभी एंड एंड्स का ऑर्डर बताना है जिसमें वो स्टिक से नीचे गिरेगी ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन इनपुट किस तरह से दिया गया है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में एन और एल है एन इज द नंबर ऑफ एंड्स और एल है द लेंथ ऑफ द स्टिक और फिर नीचे की एन लाइन्स में हमें पी आई और डी आई दिया गया है जहां पे पी आई है इनिशियल पोजीशन जहां पे उसको किया गया है और डी आई है डायरेक्शन इन विच इट इन मूव्स इनिशियली लेफ्ट जीरो होगा तो लेफ्ट वन होगा तो राइट कंस्टेंस क्या दिया गया है टेस्ट केस की वैल्यू वन और हंड्रेड के बीच में इनिशियल पोजिशन जो है वो जीरो और स्टिक के बीच में है नंबर ऑफ एंड इज लेस देन लेंथ ऑफ द स्टिक लेंथ टेन की पावर नाइन तक जा सकती है एन की वैल्यू टेन की नंबर ऑफ एंड की वैल्यू टेन की पावर फाइव तक जा सकती है फॉर एटमोस्ट फिफ्टीन टेस्ट केसेज और रिमेनिंग टेस्ट केसेज में एन की वैल्यू टेन की पावर थ्री तक जा सकती है सो दिस इज द क्वेश्चन हमें बताना है कि एंड्स किस ऑर्डर में नीचे गिरेगी आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं सब so, अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि एक सही ऑर्डर में सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और मैंने यहाँ पे फोर लिखा है जैसे जस जैसे हम कंसेप्ट समझ जाएंगे वैसे वैसे हम टिक करते जाएंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहला कंसेप्ट क्या है सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि हम ये जो सिचुएशन है जहाँ पर एंड्स कोलाइड हो रही है डायरेक्शन चेंज कर रही है बिकॉज सबकी स्पीड सेम है तो हम एक इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंड्स आर नॉट दे आर जस्ट अदर तो भी हमें जो टोटल टाइम है वो सेम मिलेगा तो हम इस तरह से भी सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर मेकिंग द सिस्टम इजी ठीक है इससे क्या होगा सिर्फ एंड्स के नंबर चेंज होंगे लेकिन टोटल टाइम सेम रहेगा फिर इंडिविजुअल एंड का टाइम कैसे पता चलेगा वो भी हम देखते हैं बट पहले ये समझते हैं जैसे कि हम कोलिजन अगर ऑब्जर्व ना करें जैसे कि मान लो दो एंड्स है ठीक है एक है पोजीशन टू पे एक है पोजीशन फाइव पे लेंथ ऑफ द स्टिक सिक्स है ये राइट हैंड साइड पे मूव हो रही है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो रही है तो ये दोनों कहां पे मिलेगी थ्री पॉइंट फाइव पे मिलेगी थ्री पॉइंट फाइव पे मिलेगी ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं जीरो थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ये एंट वन है ये एंट टू है ये दोनों यहां पे मिली ये एंट वन ये एंट टू यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा सिंपल है अब क्या होगा कि ये वापस लेफ्ट में आएगी ये वापस राइट में जाएगी अगर हम कोलिजन को कंसिडर करें तो तो ये यहां पे आएगी ये यहां पे जाएगी तो इसको यहाँ पे गिरने में कितना टाइम लगेगा थ्री पॉइंट फाइव और टू को राइट हैंड साइड पे गिरने में कितना टाइम लगेगा टू पॉइंट फाइव सेकंड सिक्स माइनस थ्री पॉइंट फाइव क्योंकि यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और क्योंकि सेम स्पीड स्पीड है तो में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है तो इसको टू पॉइंट फाइव सेकंड टाइम लगेगा इसको थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड टाइम लगेगा तो टोटल इस पॉइंट से थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद दोनों एंट गिर चुकी होगी तो टोटल टाइम कितना हुआ यहां पे पहुंचने में वन पॉइंट फाइव सेकेंड प्लस थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड तो टोटल फाइव सेकंड्स लगेंगे वेन बोथ ऑफ द एंड्स आर डाउन मतलब इक्वल टू फाइव दोनों एंड्स नीचे होगी ठीक है अब मैंने क्या कहा कि यहां पे हम कोलिजन ना सोचे बस ये सोचे कि दोनों एंड्स जस्ट बाईपास हो रही है सिस्टम सेम इट विल कीप सिस्टम इन टोटल टाइम टेकन सेम मतलब कि देखो पहले तो ये यह यहां पे मिले ठीक है ये फर्स्ट स्टेप 3.5 सेकंड पे मैं क्या कह रहा हूं कोलिजन नहीं हो रहा दे आर जस्ट बाईपासिंग इच अदर तो वन राइट right पे जा रहा था वो राइट right पे ही जाता रहेगा टू लेफ्ट पे जा रहा था वो लेफ्ट पे ही जाता रहेगा ठीक है।, है तो यहां तक पहुंचने में तो 1.5 सेकंड लगेंगे अब टू को यहां से लेफ्ट में गिरने में कितना टाइम लगेगा थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड और वन को यहाँ से यहाँ पे गिरने में कितना टाइम लगेगा टू पॉइंट फाइव सेकेंड तो टोटल टाइम कितना हुआ बिकॉज एंड को लेफ्ट में गिरने में थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड लग रहा है और यहां तक पहुंचने में वन पॉइंट फाइव सेकेंड लगा था, तो टोटल तो टू पॉइंट फाइव सेकेंड ही लगेगा बिकॉज दोनों ने टाइम एक्सचेंज कर लिया एक तरीके से जहां पे वन को लेफ्ट में गिरने में थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड लग रहा था अब टू को लगेगा बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि दोनों जस्ट बाईपास हो रहे हैं एक दूसरे को ठीक है तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि टू यहां पे गिरेगा one यहां पे गिरेगा इसमें बस नेम ऑफ चेंज हो रहा है अगर मैं आपको कहूं तो लेकिन two को कितना टाइम लगेगा 1 .5 प्लस .5, five seconds, और one को कितना लगेगा? 1 .5 प्लस .5, कितना लगेगा हुआ Four seconds. तो जब हम कोलिजन कंसिडर कर रहे थे तो वन को फाइव से लग रहे थे टू को फोर हम सिर्फ कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं तो एंड वन को फोर सेकंड लग रहे हैं और टू को फाइव सेकंड लग रहा है राइट अब इससे टोटल टाइम दोनों का क्या होगा नाइन सेकंड्स और एट टी इक्वल टू फाइव दोनों एंड्स नीचे होगी अब इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे तो दो ही है एंडस जबकि अगर हम ऑब्जर्व करें टेन के पावर फाइव एंड्स के लिए तो कोई लेफ्ट में जा रहा होगा कोई राइट में जा रहा होगा तो सभी का सभी का ट्रैक रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा ठीक है हम कंप्यूटर में प्रोग्राम इस तरह से नहीं लिख सकते और बेटर टू से कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस ठीक है तो वो नहीं हो पाएगा लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंड्स जो है वो जस्ट बाईपास हो रही है तो इससे ईजी क्या हो जाएगा कि हम इनिशियल पोजीशन के बेसिस पे ही टाइम निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है एंड टू वो यहां पे है फाइव सेंटीमीटर पे और लेफ्ट में जा रही है तो इसको अगर मैं बाईपास ही करना है मतलब कोलिजन है ही नहीं तो इसको लेफ्ट में गिरने में कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है तो फाइव सेंटीमीटर लगेगा और एंट वन कोलिजन ही नहीं है वो राइट हैंड साइड पे जा रही है फोर सेंटीमीटर कवर करना है वन सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा फोर सेकंड्स लगेगा जब हम कोलिजन कंसिडर uh, uh, ही नहीं कर रहे तो जब हम कोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं तब हमें उनका कोल्यूजन का पॉइंट तब तक का टाइम फिर वापस वो एक्सचेंज डायरेक्शन uh, हो रही है फिर वापस वो किसी और के साथ कोलाइड करेगी तो वो एन इक्वल टू टेन की पावर फाइव के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ट्रैक रखना लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि सिर्फ बाईपास हो रहे हैं तो मेरे पास अगर टेन की पावर फाइव एंट्स भी है तो भी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मान लो टेन थाउजेंड एंट है वो लेफ्ट में मूव हो रही है और उसका डायरेक्ट उसका इनिशियल जो पोजीशन है वो है 500 सेंटीमीटर तो उसको 500 हंड्रेड सेकेंड्स लगेंगे सिंपल क्योंकि कहीं कोलिजन ही नहीं हो रहा सिर्फ आ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बाईपास हो रहा है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा ठीक है राइट तो ऐसा कंसिडर करने से हमें क्या पता चला कि अगर कोलिजन नहीं हम मानते सिर्फ ये मानते कि बाईपास हो रहा है ऐसा क्यों मान सकते हैं वो भी मैंने बता दिया इस केस के थ्रू हालांकि हम थ्री एंड्स के केस से भी समझ सकते हैं बट वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मतलब थोड़ा और लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप तीन एंड्स को लीजिए कोई को, को ना कोई पोजीशंस पे रखिए दो को लेफ्ट एक को राइट दो को राइट एक को लेफ्ट ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए और फिर उनके कोलिशंस ऑब्जर्व कीजिए फिर वो कब गिर रहे हैं ये सब ऑब्जर्व कीजिए टेबल बना के ठीक है कहाँ पे वो मिल रहे फिर वापस डायरेक्शन कौन सी चेंज हो रही है और दूसरी तरफ उनका जो विदाउट कोलिजन है जस्ट बाईपास अज्यूम किया गया है उसमें टाइम देखिए तो टोटल टाइम जो है वो आपको सेम मिलेगा ठीक है तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहां पे जैसे ये कोलाइड होके वन लेफ्ट में जा रहा है टू वापस राइट right में जा रहा है इन अगर हम बाईपास कंसिडर करें तो टू लेफ्ट में कंटिन्यू करेगा वन राइट में कंटिन्यू करेगा जस्ट नेम चेंज हो रहा है स्पीड भी सेम है ये पोजिशन भी सेम है So, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पहली चीज ठीक है तो दिस वॉज द फर्स्ट कंसेप्ट कि हम ऐसा कर सकते हैं दैट देर इज नो कोलूशन दे आर जस्ट बाईपासिंग जिससे कि हम इनिशियल पोजिशन के डिपेंडेंट ही उनका टाइम निकाल सकते हैं जैसे कि कोई 500 सेंटीमीटर पे है और लेफ्ट में जा रहा है तो उसको 500 हंड्रेड सेकेंड्स लगेंगे ठीक है फर्स्ट थिंग इज दैट अब सेकेंड कंसेप्ट मूव करते हैं सो so, अगर यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो हमने क्या अज्यूम किया कि अगर हम ये मान लें कि कोलिजन नहीं हो रहा है और जस्ट बाईपास हो रहा है तो टोटल टाइम सेम रहा है सिस्टम भी सेम रह रही है लेकिन एक्चुअल में अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो हमें कोलिजन को कहीं ना कहीं तो कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज जैसा कि हमने प्रीवियस फर्स्ट कंसेप्ट देखते टाइम डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट एंट है उसको हम बाईपास करवा देते तो वो राइट right पे गिरेगी लेकिन एक्चुअल तो वो लेफ्ट में गिर रही थी और कोलिजन के साथ उसको फाइव सेकंड्स लग रहे थे और सेकंड एंड को फोर सेकंड्स लग रहे थे तो कहीं ना कहीं तो हमें कोलिजन uh, को कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है अगर हमें एक्चुअल ऑर्डर चाहिए तो तो एक सिंपल एग्जाम्पल और देखते हैं ये तो क्लियर है कि हम विदाउट कोलिजन जस्ट अज्यूम कर सकते हैं तो टोटल टाइम जो होगा वो सेम रहेगा टोटल टाइम मतलब क्या इंडिविजुअल एंड मैं ये नहीं कह रहा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी एंड्स नीचे होगी मैं ये कह रहा हूँ इंडिविजुअल एंड्स को जितना टाइम लगेगा उनका सम जो है वो सेम रहेगा मतलब कि अगर मान लो एक एंड यहाँ पे है एक एंड यहां पे है एक एंड यहां, यहां पे है अब ये मान लो ये अपना जीरो पोजिशन है ये टू है ये फोर है ये सेवन है और ये टेन है ठीक है ये राइट पे जा रहा है ये राइट पे और ये लेफ्ट पे फॉर एग्जाम्पल तो ये दोनों पहले तो कहाँ मिलेंगे वो कहीं मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे अगर हम देखें यहां पे फोर और सेवन है मतलब फाइव पॉइंट फाइव पे मिलेंगे मतलब फाइव सेकेंड्स के बाद तो वन पॉइंट फाइव सेकेंड्स के बाद अगर बात करें तो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे ये एंड होगा फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे ये दोनों होंगे और टेन सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है ये दोनों टकरा है ये राइट में जा रहा है ठीक है अब क्या होगा कि आ, और बेटर टू से लेट से एट ले लेते हैं मे बी इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो बेटर रहेगा फोर और सिक्स मतलब ये सिक्स पे मिलेंगे ठीक है और तब तक ये कहाँ पे होगा फोर सेंटीमीटर पे ठीक है अब ये लेफ्ट में जाएगा और ये राइट right में जाएगा तो ये जो है थर्ड वाला ये सेकेंड है ये फर्स्ट एंड है तो थर्ड को कितना टोटल टाइम लगा यहाँ से सिक्स तक पहुँचने में टू सेकेंड्स और अब तो वो राइट right जाएगा आफ्टर कोलिजन तो अब तो कोई है ही नहीं राइट में तो वो फोर सेकंड के बाद गिर जाएगा तो जो थर्ड एंट है उसको टोटल टाइम एक्चुअल में कितना लगेगा टू प्लस फोर टू सेकेंड्स यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक जाने में फोर तो सिक्स सेकंड अब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं अभी तक टू को कितना लगा है टू को अभी तक टाइम लगा है फोर से लेकर सिक्स तक जाने में टू सेकेंड्स और वन को कितना लगा है टू सेकेंड्स मतलब जितना हमने ऑब्जर्व किया है वन टू से लेकर फोर तक गई है अब ये तो हम निकाल देते हैं पिक्चर में से क्योंकि उसका टोटल टाइम हमने निकाल लिया छह सेकंड क्योंकि अब राइट में कोई एंट नहीं है अब ये दोनों एट फिफ्थ फाइव सेंटीमीटर मिलेगी जीरो फाइव और टेन फर्स्ट एंट है ये सेकंड एंट है ठीक है तो एक, एक सेंटीमीटर और मतलब एक एक सेकंड और लगेगा तो प्लस वन प्लस वन अब ये लेफ्ट में जाएगी ये राइट में जाएगी आफ्टर कोलिजन तो इसको पांच सेकेंड लगेगा इसको पांच सेकेंड लगेगा तो इसको 8 सेकंड्स लगेंगे और इसको भी 8 सेकंड्स लगेंगे एक्चुअल में ठीक है तो टोटल टाइम कितना हुआ 8 8 16 6 22 दिस इज द एक्चुअल टाइमिंग ठीक है अगर हम कोलिजन कंसीडर करते हैं तो अब हमने क्या बोला था कि हम विदाउट कोलिजन बाईपास भी कंसीडर कर सकते हैं जिससे कि टोटल टाइम हमें सेम मिलेगा सही बात है इस पॉइंट ऑफ यहाँ पे पोजीशन सिक्स पे जब सेकंड और थर्ड एंड मिलते हैं और मैं अज्यूम करता हूँ कि थर्ड एंड लेफ्ट में कंटिन्यू करेगा और सेकंड एंड राइट में कंटिन्यू करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है फिर आगे जाके थर्ड एंड है वो सेकंड के साथ मिलेगा कहीं ना कहीं ठीक है उसके बाद थर्ड को लेफ्ट में कंटिन्यू करा दूंगा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट तो जैसा कि हमने बोला था कि नंबरिंग सिर्फ चेंज होगी बट सिस्टम सेम रहेगी अगर हम सभी एंड्स को नंबरिंग ना दे तो कोलिजन के बिना अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक चीज मुझे बताओ कोलिजन नहीं है जस्ट बाईपास है तो ये फर्स्ट एंड है ये सेकेंड एंड है ये थर्ड एंड है फर्स्ट एंड को कितना टाइम लगेगा टू और टेन एट सेकेंड्स लगेंगे सेकेंड एंड को कितना टाइम लगेगा फोर और टेन सिक्स थर्ड एंड को कितना टाइम लगेगा वो एट सेंटीमीटर पे है लेफ्ट में जा रही है कोई कोलिजन नहीं है तो एट सेकेंड्स लगेंगे तो टोटल टाइम कितना हुआ ट्वेंटी टू एक्चुअल में भी कितना टाइम हो रहा है ट्वेंटी टू एक चीज जो मजेदार ऑब्जर्व करने वाली है ये है एट एट सिक्स एट एट सिक्स वन को यहाँ पे एट uh, सेकेंड्स लग रहे हैं यहाँ पे एट सेकेंड्स लग रहे हैं टू को यहाँ पे सिक्स सेकेंड्स लग रहे हैं टू को यहाँ पे एट सेकेंड्स लग रहे हैं थ्री को यहाँ पे एट सेकेंड्स लग रहे हैं यहाँ पे सिक्स सेकेंड्स लग रहे हैं क्यों क्योंकि हमने क्या बोला कि जब कोलिजन हम कंसिडर नहीं करते जस्ट बाईपास कंसिडर करते हैं तो टोटल तो सिस्टम चेंज सेम रहती है बस एंड्स के नंबर्स चेंज हो जाते हैं मतलब कि फर्स्ट के साथ अगर सेकंड कोलाइड होने वाला था तो उसके बाद मतलब बाईपास होने वाला था तो थर्ड होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाइमिंग है वो चेंज हो गए हैं इंटरचेंज हो गए हैं अगर हम कोलिजन कंसीडर ना करें तो सिस्टम तो वही रहेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर्स एक्सचेंज हो रहे थे तो वो टाइमिंग एक्सचेंज हो रही थी आप समझ रहे हो तो सेकेंड कंसेप्ट यही है फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि विदाउट कोलिजन हम सिस्टम को एज्यूम कर सकते हैं कि सभी एंड्स बाईपास हो रहे हैं तो उससे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी इजी हो जाएगा सभी एंडस की इनिशियल पोजीशंस की मदद से हम उनका टाइम निकाल सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल जो मैंने दो बार अभी तक बता दिया कि अगर कोई 500 सेंटीमीटर पे एंड है इनिशियल पोजीशन पे और वो लेफ्ट में जा रही है फिर भले ही चाहे उसको बीच में हंड्रेड कोलिजन्स हो बट क्योंकि हम बाईपास हो रही है ये सिस्टम भी अज्यूम कर सकते हैं तो उसको फाइव हंड्रेड लगेंगे ठीक है तो यहाँ पर भी बेसिकली टाइम एक्सचेंज हो रहा है अगर हम विदाउट कोलिजन देखें तो तो एक्चुअल सिस्टम में थर्ड को सिक्स सेकंड लग रहे हैं लेकिन यहां पे एट लग रहा है ठीक है तो सिक्स किसको लग रहे हैं विदाउट बाईपास को तो मैंने क्या बोला कि एक्सचेंज हो जाता है तो अगर हम कोलिजन कंसिडर करते हैं तो यहां पे आने के बाद अगर विदाउट कोलिजन टू यहां पे चला जाएगा जब कोलिजन होता है तो टू अपना जो पोजीशन और डायरेक्शन है वो थ्री को दे देता है और थ्री अपना पोजीशन और डायरेक्शन टू को दे देता है फिर थ्री के राइट हैंड साइड में कोई नहीं है तो वो चला जाता है तो टू ने अपना डायरेक्शन और पोजिशन थ्री को दिया इसीलिए थ्री के पास सिक्स सेकेंड्स है और टू जो कि टू के पास होने चाहिए अगर हम बाईपास कंसिडर करें तो ठीक है तो दो कंसेप्ट हमें यहां पे क्लियर हो गए एक तो ये कि विदाउट कोल्यूशन हम अज्यूम कर सकते हैं सिस्टम को कि सभी एंड्स जस्ट बाईपास हो रहे हैं और दूसरा कि सभी एंड्स के पास किसी और एंड का जो टोटल टाइम है वो एक्सचेंज में आ जाएगा मतलब कि विदाउट कोलिशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो तो बहुत इजी है टाइमिंग निकालना जो भी पोजीशन है पी अगर लेफ्ट में जा रहा है तो विदाउट कोलिशन कितना टाइम लगेगा पी सेकंड्स और राइट में जा रहा है तो एल माइनस पी आई तो कोलिशन में क्या होगा कि उसका जो विदाउट कोलिशन वाला टाइम है आई सेकंड या तो फिर एल माइनस पी आई सेकंड वो किसी और एंड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा तो एन एंड्स का अपना जो ओरिजिनल टाइम है जो कि हम विदाउट कोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं वो किसी और एंड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा ठीक है तो अब वो फाइंड करना पड़ेगा तो ये दो कंसेप्ट हमें क्लियर हो गए अब थर्ड कंसेप्ट की बात करें तो इस कंसेप्ट का प्रूफ मुझे नहीं पता मैथमेटिकली बट अगर इनिशियली कंसेप्ट थ्री अगर इनिशियली एल नंबर ऑफ एंड्स है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और आर नंबर ऑफ एंड्स है जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है तो टोटल जो एन पे ठीक है एन है उसमें से पहली एल नंबर ऑफ जो एंड्स होगी मैं क्या कह रहा हूं पहली एल अगर इन ends में से एल नंबर ऑफ एंड ऐसी है, जो कि इनिशियली लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है जब जब किया किया तब तब और और है 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 जो right direction move है, तब, तो, finally, जो कि में कर रही तो पहली वो left -hand side पे गिरेगी और यहां से आर नंबर ऑफ जो एंड्स है वो राइट right डायरेक्शन में गिरेगी ठीक है एक बार लास्ट बार बोल देता हूँ अगर टोटल एल नंबर ऑफ है जो कि जिनकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लेफ्ट है और आर नंबर डायरेक्शन पोजिशन के हिसाब से रखा है एंड्स को तो पहली एल एंड्स लेफ्ट में गिरेगी और आखिरी की राइट आर नंबर ऑफ एंड्स राइट में गिरेगी सो दिस इज थर्ड कंसेप्ट इसका मैथमेटिकल प्रूफ मुझे नहीं आता ठीक है ओके अब फाइनल कांसेप्ट जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमें पहले तीन कांसेप्ट को कंबाइन भी करना पड़ेगा ओके okay, सो so, पहला कांसेप्ट विदाउट कोलिजन हम अज्यूम कर सकते हैं सिस्टम को विदाउट को सेकंड कांसेप्ट विदाउट कोलिजन जब हम अज्यूम करते हैं तो हमने ये क्या ऑब्जर्व किया कि सभी एंड्स का जो टाइम है स्टिक के ऊपर से गिरने का वो अगर हम विदाउट कोल्यूशन अज्यूम करें तो किसी और एंट का टाइम है जो उसके पास आ गया है टाइम्स एक्सचेंज हो जाता है टोटल टाइम जो होता है इंडिविजुअल एंट्स का टाइम है उसका सम वो सेम रहता है तो सभी एंट्स के पास अगर विदाउट कोल्यूशन हम अज्यूम करें सिस्टम को तो उसमें जो टाइम है ठीक है वही एक्सचेंज हो जाता है आपस में जब हम विथ कोलिशन अज्यूम करते हैं ठीक है थर्ड कंसेप्ट क्या था कि पहली एल नंबर ऑफ एंड्स लेफ्ट में गिरेगी और आ, आखिरी की जो आर नंबर ऑफ एंड्स है वो राइट right में गिरेगी तो अब फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं कंबाइन uh, करूं सेकंड और थर्ड को कि पहली एल है वो लेफ्ट में गिरेगी एल एंड्स जो है इनिशियली मतलब इनिशियल डायरेक्शन के हिसाब से जो लेफ्ट में एल एंड्स आती है वो अगर लेफ्ट में गिरेगी और आर नंबर ऑफ एंड्स जो है वो राइट right में गिरेगी और सेकंड कंसेप्ट क्या था कि टाइम एक्सचेंज होता है तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ़ एंड्स है और पहली एल नंबर ऑफ़ एंड्स को लेफ्ट में गिरना है तो बट ऑब्बियस बात है कि ये इससे पहले गिरेगी मान लो एल इक्वल टू फाइव है तो सबसे पहले ये गिरेगी फिर ये गिरेगी फिर ये गिरेगी फिर ये गिरेगी गिरे और फिर ये गिरेगी बट ऑब्बियस बात है क्योंकि कोलाइड हो के जब तक ये नीचे नहीं जाती अगर मान लो ये इसको मिलती भी है तो कोलाइड हो जाएगा तो जब तक ये नीचे नहीं जाती ये नीचे नहीं जा पाएगी बट ऑब्वियस बात है और आखिरी की जो आर एंड्स है उसमें पहले ये नीचे जाएगी फिर ये नीचे जाएगी फिर ये नीचे जाएगी फिर ये नीचे जाएगी एंड सो ऑन तो अब अगर हम इन सभी कंसेप्ट्स को कंबाइन कम, करें सेकेंड कंसेप्ट क्या था कि टाइम्स एक्सचेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल टाइम अगर हम विदाउट कोलिजन कंसिडर करते हैं तो थर्ड कंसेप्ट क्या था कि एल नंबर ऑफ एंड्स लेफ्ट में गिरेगी आर नंबर ऑफ एंडस राइट में गिरेगी और गिरने का ऑर्डर क्या होगा पहले ये गिरेगी फिर ये गिरेगी फिर ये गिरेगी सिमिलरली यहाँ पे पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये इतना क्लियर है तो अब फाइनल कंसेप्ट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या समझ में आता है कि एंड नंबर ऑफ एंड्स जो है उसमें से जो सबसे जीरो से लेके एल तक उसमें अगर हम जीरो से मूव करना स्टार्ट करें तो जो सबसे पहली एंड होगी जो कि लेफ्ट में गिरने वाली है जो कि लेफ्ट पे उसका मूवमेंट है इनिशियली उसको जितना टाइम लगेगा वो इस पहली एंड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि मान लो एक ये है हमने क्या बोला एल इक्वल टू फाइव है तो इनिशियली जो लेफ्ट में मूव हो रही है ऐसी ends ये पांच पांच ये है 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 ठीक पे कोई है जो राइट में मूव हो रही है, दो फिर ये भी दो ये ये सब राइट में मूव हो रही है ये लेफ्ट में जा 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 रही है और ये लेफ्ट में जा रही है ठीक है हमने क्या बोला टाइम एक्सचेंज होता है और पहली एल नंबर ऑफ एंड लेफ्ट में गिरेगी और सबसे पहले ये गिरेगी तो इसको जो टाइम मिलेगा वो ओरिजिनल जो एंड्स में सबसे पहली है जो लेफ्ट में जा रही है ये भी राइट right में जा रही है ये भी राइट right में जा रही है ये पहली है जो लेफ्ट में जा रही है और ये पांच एंडस है जो लेफ्ट में जा रही है ये सबसे पहले गिरेगी और ये टोटल नंबर ऑफ एंड्स जो लेफ्ट में गिरेगी वो एल के बराबर है जो कि इनिशियल लेफ्ट में है तो जो सबसे पहली होगी ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए जो कि लेफ़्ट में जा रही होगी उसको जितना टाइम लगेगा मान लो उसकी पोजीशन है पी एल वन उतना टाइम इसको लगेगा पी एल वन फिर ये मान लो पी एल टू पोजिशन पर है तो उतना टाइम इसको लगेगा पी एल टू ये पी एल थ्री है ये पी एल थ्री ये पी एल फोर और ये पी एल फाइव एंड वी कैन क्लियरली सी दैट pl1 एल वन इज लेस देन पी एल टू इज लेस देन पी एल थ्री इज लेस देन पी एल फोर इज लेस देन पी एल फाइव क्योंकि नंबर लाइन पर जो सबसे पहले है जो लेफ्ट में मूव हो रही है वो उसका जो विदाउट कोलिजन टाइम होगा कितना होगा पी एल वन सेंटीमीटर है तो पी एल वन टाइम लगेगा एंड बिकॉज टाइम एक्सचेंज होते हैं तो ये इसके साथ टाइम एक्सचेंज होगा मतलब कि अगर हम कोलिजन कंसिडर करें तो इसको उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको विदाउट कोलिजन लगेगा ठीक है ये सेकंड थर्ड फोर्थ कंसेप्ट तीनों कंबाइन करते हुए सिमिलरली यहां पे सबसे पहले ये गिरेगी तो मान लो ये राइट में जा रही है ये राइट में जा रही है ये राइट में जाएगी ये राइट में जाएगी और ये राइट में जाएगी बिकॉज टाइम एक्सचेंज होते हैं और आर नंबर ऑफ एंड जो है यहां से वो राइट में गिरेगी और ये सबसे पहले गिरेगी तो इसको विदाउट कोलिजन वाली सिस्टम में जो सबसे राइट हैंड साइड पे है जिसको सबसे कम टाइम लगेगा विदाउट कोलिजन वाली सिस्टम में उतना टाइम इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा मतलब कि टोटल लेंथ एल है इसकी पोजीशन पी आर वन है तो इसको कितना टाइम लगेगा एल माइनस पी आर वन तो वो इसको लगेगा इन कोलिजन सिस्टम ये क्या है विदाउट कोलिजन सिस्टम तो पी एल माइनस पी आर वन इसको कितना टाइम लगेगा एल माइनस पी आर टू इसको एल माइनस पी आर थ्री एंड वी कैन क्लियरली सी एल माइनस पी आर वन इज लेस देन एल माइनस पी आर टू इज लेस देन एल माइनस पी आर थ्री ये एल माइनस पी आर वन है ये एल माइनस पी आर टू है ये एल माइनस पी आर थ्री है एंड सो so ठीक है तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है मैंने वैसे तो बोलते टाइम ही काफी चीज़ें बहुत बार रिपीट की है बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सारे के सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझिए समझ में आ जाएगा दो तीन चीज़ें ऐसी है जिसमें हमने मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देखा है बट हमने एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है सो दिस इज द कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि नंबर लाइन पे इनिशियल पोजीशन के हिसाब से जो एल नंबर ऑफ एंडस होगी वो लेफ्ट में गिरेगी और आर नंबर ऑफ एंड्स जो है राइट हैंड साइड पर वो राइट right में गिरेगी तो पहले हमें एल और आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी वो क्या है कि इनिशियली कितनी एंड्स लेफ्ट में मूव हो रही है और इनिशियली कितनी एंड्स राइट right में मूव हो रही है हमारे पास दो एरे है पी जो कि इनिशियल पोजिशन बताता है और डी ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ एल इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ और फॉर आई इक्वल टू जीरो आई एस देन एन आई प्लस प्लस इफ डी आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो प्लस प्लस एल्स राइट प्लस प्लस ठीक है तो मुझे पता चल गया कितनी एंड्स लेफ्ट में मूव होगी कितनी एंड्स राइट में मूव होगी अब हमें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर चाहिए यहां पे पोजिशन कोई भी ऑर्डर में दिया गया है पहली एंड का पोजीशन 200 हो सकता है सेकेंड एंड का पोजीशन 10 हो सकता है तो हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं यहां पे एक वेक्टर ले लूंगा ठीक है क्योंकि मैं सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूं तो मैं ऐसे ले रहा हूं जिसका फॉर्मेट होगा आ, पैर आ, इसका वेक्टर का नाम है एंट्स ठीक है जो कि एंट्स की पोजीशन, डायरेक्शन और इंडेक्स स्पेसिफाई करता है और पैर के अंदर मैं वापस यहां पे एक पैर लूंगा और यहां पे लॉन्ग लौंग लॉन्ग -लौंग लूंगा यहां पे और एक पैर ठीक है बेसिकली फर्स्ट इंटीजर में हम पोजीशन स्टोर करेंगे सेकंड में डायरेक्शन और थर्ड में इंडेक्स मतलब कि कौन से एंट की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो मैं कह सकता हूं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एंट्स डॉट पुश बैक ठीक है पी आई कॉमा डी आई कॉमा आई प्लस वन क्योंकि हमें फाइनल ऑर्डर बताना है वो वन से लेके एन के फॉर्मेट में बताना है और यहाँ पे हमने एरे को जीरो से लेके एन माइनस वन लिया है तो ये इंडेक्स भी मैंने साथ में स्टोर कर लिया उसको भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा अब मैं क्या करूंगा मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूंगा शॉर्ट एंड्स इस वेक्टर को तो ये किस हिसाब से शॉर्ट होगा पोजिशन के हिसाब से मतलब कि नंबर लाइन के हिसाब से वो शॉर्ट हो जाएगा ठीक है अब पहली एल एंड्स को मुझे नंबर लाइन पे जो पहली एल नंबर ऑफ एंड्स है उनको मुझे किसका टाइम देना है नंबर लाइन में पहली ऐसी जो L जो एंड्स है, कि लेफ्ट में जा रही है उनका टाइम उनको देना है मतलब कि अब मैं एक एरे लेता हूं टी आई करके ऑफ साइज एन इसमें मैं टाइम स्टोर करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड्स वाला वैक्टर तो मैं कह सकता हूं फॉर i इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन l, ठीक है l लेता हूं मैं शायद मैंने जो कोड है उसमें एल ई और आर आई लिया है फॉर लेफ्ट एंड राइट वो तो वैसे समझ में आ जाएगा तो पहली एल नंबर ऑफ एंडस को हमें टाइम देना है ठीक है इनको किन का टाइम मिलेगा जो एंडस ओरिजिनली लेफ्ट में मूव हो रही है उनका टाइम मिलेगा तो सबसे पहली एंट है उसको उस एंट का टाइम मिलेगा जो कि लेफ्ट में मूव हो रही है और नंबर लाइन में सबसे पहले है उसका टाइम वेर वी डू नॉट कंसिडर कोलिजन तो वो टाइम इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा फिर सेकेंड एंड के साथ दूसरी ऐसी एंड जो कि लेफ्ट में जा रही है उसके साथ उसका टाइम एक्सचेंज हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ मैं जी ए टू जीरो ले लेता हूँ क्यों क्योंकि फर्स्ट एंड को मुझे उस एंड का टाइम देना है जो कि ओरिजिनली लेफ्ट में जा रही थी ठीक है तो पहले तो जितनी भी एंड राइट right में इनिशियली क्योंकि अभी मेरे पास जो एंड्स का ऑर्डर है वो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर लाइन है ठीक है अब मान लो ये राइट right में जा रही है ये राइट right में जा रही है ये राइट right में जा रही है लेकिन ये लेफ्ट में जा रही है ये लेफ्ट ये राइट right, ये लेफ्ट तो टोटल तीन एंड्स लेफ्ट में जा रही है मतलब कि पहली तीन एंड्स लेफ्ट साइड गिरेगी इसको किसका टाइम मिलेगा इसको इसका टाइम मिलेगा इसको किसका टाइम मिलेगा इसको इसका टाइम मिलेगा सॉरी एक मिनट इसको इसका टाइम मिलेगा जो कि इनिशियली लेफ्ट में जा रही है इसको इसका टाइम मिलेगा ये भी लेफ्ट में जा रही है और इसको इसका टाइम मिलेगा लेफ्ट में जा रही है कौन सा टाइम जब हम कोलिशन uh, कंसिडर नहीं करते वो वाला टाइम तो जे क्या है ये तो इनको आंसर असाइन करने के लिए है इसको इसको और इसको क्योंकि एल की वैल्यू थ्री है ठीक है बट जे क्या करेगा जे चेक करेगा कि अभी हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे और अगर करंट एंड राइट हैंड साइड मूव हो रही है तो उसको स्किप कर दो मतलब कि जे यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और बताएगा कि भाई ये लेफ्ट में जा रही है तो मैं इसका टाइम इसको असाइन कर दूंगा मतलब कि वाइल एंड्स ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड इक्वल्स टू इक्वल्स टू ये क्या डिनोट कर रहा है एंड ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड क्या है ये फर्स्ट पेयर है और ये मतलब कि फर्स्ट का फर्स्ट मतलब ये हो गया फर्स्ट डॉट सेकेंड ये हो गया और डॉट सेकेंड ये हो गया तो फर्स्ट डॉट सेकेंड क्या डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन ऑफ द एंड तो जब तक वो वन है मतलब कि इनिशियल स्टार्टिंग से जब तक हमें ऐसी एंट मिल रही है जो कि राइट right में जा रही है तब तक हमें क्या करना है जे प्लस प्लस कर दो तो जे की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ पे आ जाएगी इनिशियली अगर हम इस एग्जांपल को देखें यहाँ पे अब इसको जो विदाउट कोलिजन टाइम लगेगा वो वो टाइम इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ टाइम ऑफ आई इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ यहाँ पे पोजिशन जेथ जे की क्या है ये वाला ठीक है इसका मतलब एंड्स ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट ठीक है तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा कि इसको जितना टाइम लगेगा विदाउट कोलिजन वो इसके साथ कोलिजन वाली सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा है अब वापस मुझे जे प्लस प्लस करना पड़ेगा तो जे प्लस प्लस ठीक है अब सेकेंड जो होगी एंट अब यहां पे उसको इसका टाइम मिल जाएगा फिर थर्ड जो एंट होगी उसको इसका टाइम मिल जाएगा तो पहली तीन एंट से उसको इन तीन एंड्स का जो विदाउट कोलिजन वाला टाइम है वो मिल जाएगा सिमिलरली आखिरी की जो आर एंड्स है उसको भी टाइम देना पड़ेगा तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर जी की वैल्यू को अब एन माइनस वन कर दूंगा क्योंकि वो पीछे से है तो फॉर आई इक्वल्स टू एन माइनस वन यहाँ पे क्योंकि हम लेस देन एल गए थे तो मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू एल आई माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा जब तक हम ऐसे एंड्स को मिल रहे हैं जिनकी इनिशियल डायरेक्शन लेफ्ट है हम जे को माइनस माइनस करते रहेंगे while, क्योंकि जो राइट right में जा रही थी इनिशियली उनके साथ टाइम एक्सचेंज होगा तो वाइल एंड्स ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो तब तक जे को माइनस माइनस करते रहो तो हमें ऐसा एंड की वैल्यू मिल जाएगी ऐसी जे की वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पे जा रही है इनिशियली तो टाइम ऑफ आई वुड बी इक्वल टू एंड्स ऑफ जे सॉरी अगर उसकी पोजीशन क्या होगी एंड्स ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट क्योंकि हमने पोजीशन को फर्स्ट पैरामीटर लिया है इस वेक्टर में बट वो क्योंकि राइट हैंड साइड पर जा रही थी तो उसका टाइम क्या होगा एल माइनस पोजिशन सो दिस वुड बी एल माइनस एंड्स ऑफ जे डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट अगर कोई लेफ्ट में जा रहा है तो उसकी पोजीशन के बराबर टाइम लगेगा बट कोई राइट right में जा रहा है जैसे पोजीशन फोर पे है और लेंथ टेन है तो टेन माइनस फोर सिक्स सेकेंड्स लगेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा और जे माइनस माइनस मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इस एंड का जो टाइम है वो इसके साथ एक्सचेंज हो गया तो बेसिकली हमें सभी के सभी एंड्स को हम टाइम असाइन कर देंगे अब हमें इनको शॉर्ट करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिससे कि हम फाइनल ऑर्डर बता सकें तो मैं क्या करूंगा मैं एक पैर वेक्टर लूंगा वेक्टर जो कि पैर के फॉर्म का होगा ठीक है और इसका नाम मैं दे देता हूं ऑर्डर अब फॉर यहां पे लिख देता हूं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इसलस प्लस ऑर्डर डॉट पुशबैक ठीक है पहले टाइम और सेकेंड पैरामीटर में एंट का नंबर तो टी आई ऑफ आई यही टाइम का एरे है और आईथ एंट है उसका एक्चुअल में नंबर क्या है वो ये है तो इसका मतलब एंट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड क्योंकि हमें तो इनिशियल एरे के हिसाब से उसका नंबरिंग करना है ना ये तो पोजीशन के हिसाब से शॉर्टेड है रहे हैं। तो ये मैंने ऑर्डर में टाइम और उस एंट का नंबर इनिशियल के हिसाब से डाल दिया अब मैं क्या करूँगा मैं इस ऑर्डर वेक्टर को शॉर्ट कर दूँगा ठीक है बस तो ये टाइम के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा जिसका सबसे कम टाइम होगा नीचे गिरने का वो सबसे पहले होगा फिर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो अब हमें क्या करना है इस ऑर्डर वेक्टर को लाइन में प्रिंट कर देना है और प्रिंट क्या करना है सेकेंड पैरामीटर सेकेंड पैरामीटर क्या है एंड का नंबर ठीक है, फर्स्ट क्या है टाइम और टाइम के हिसाब से तो हमने शॉर्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूं फॉर इक्वल टू जीरो आई डॉट सेकेंड बस हो गया काम अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक यहां पे शॉर्ट करना पड़ा था एंड को फिर ये अगर आप देखोगे तो i और j एक एक बार सभी के सभी एंड्स पे ट्रावर्स हो रहे हैं तो वो तो बिग ओ ऑफ एन हो गया ये आई है वो एल जितना है ठीक है तो बिग ओ ऑफ एल प्लस जे की वैल्यू है वो एन तक जा सकती है तो एन प्लस ये जो है वो आर के बराबर है और यहाँ पे जे की वैल्यू एन तक जा सकती है तो बिग ओ ऑफ एल प्लस एन लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्टिंग किया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो शॉर्टिंग में कितना टाइम लगेगा एन एंड्स है तो एन लॉग एन ठीक है तो बिग गो ऑफ टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट केसेज इंटू एन लॉग एन ठीक है और यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100 है जिसमें कि एटमोस्ट 15 टेस्ट केस में टेन की पावर फाइव है और रिमेनिंग में एन की वैल्यू थाउजेंड है तो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैं कॉन्ट्स में प्रोवाइड किया थैंक यू